और देखने के बाद हमने भी सजेस्ट कर दिया ताकि बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहे, और यहाँ पर जो देखने आएंगे और प्रतिदिन लोग घूमेंगे वैसी स्थिति में उनके सुरक्षा का भी पूरा प्रबंध किया जाएगा। अब बताइए कब तक आप लोग शुरू कर सकेंगे? मार्च तक, मार्च तक कह रहे हैं, जो भी मार्च तक प्रोजेक्ट है पूरा। हाँ, तो अभी तक का प्रोजेक्ट है, मान लीजिए उसमें तक पूरा करें, थोड़ा आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन सारी तैयारी। और आज दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। हाँ, तो आप लोगों को तो खुद ही पता चल रहा होगा, ये जो हम लोग शुरू किए थे नेचर सफारी, तो आप तो जानते ही हैं कि जू सफारी बनवा रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से। तो उसी सिलसिले में जब हम यहाँ आते रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम है 2009 से ही सब कुछ देख करके जो हमने एक मेरे मन में जो बातें आई हम कहते रहे, तो जू सफारी का तो काम चल ही रहा है। लेकिन जब जू सफारी का पूरा एरिया एक्रोच हम देख रहे थे, तो उसी तरह से हमने कहा कि इसके साथ साथ ये जो इतना अच्छा जगह है और लोग देखें, अगर इसको नेचर सफारी भी बनाना चाहिए, ये हमने कहा। लेकिन हाँ, हमारे मन में बात थी कि जो जू सफारी के बगल से ही नेचर सफारी चले, लेकिन अभी हमको सभी लोगों ने बताया कि उस बीच में नहीं किया जा सकता है, उसको यहाँ से ही किया जाएगा। जो फॉरेस्ट एरिया है इनका उसी में कर सकते हैं, तो यहाँ से इन लोगों ने शुरू किया है। तो वही देखने हम आ रहे थे कि कैसे लोग कहीं से देखेंगे, तो बहुत अच्छा बना है, और इसके सुरक्षा के लिए और इसको इसके मेंटेनेंस को देखने के लिए सारी बात हमने पूछी है, इन लोगों ने बताया ही है, और जो भी हमको लगा है यहाँ पर देखने के बाद हमने भी सजेस्ट कर दिया है ताकि बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहे। और यहाँ पर जो देखने आएंगे और प्रतिदिन लोग घूमेंगे और ख़ास करके बच्चों के लिए और यूथ के लिए इसको और प्रेरित करने वाली बात है कि ताकि वो नेचर के बारे में उनको पूरी जानकारी हो और देखे, वैसी स्थिति में उनके सुरक्षा का भी पूरा प्रबंध किया जाएगा। कब तक और जो इसके हाँ अब बताइए कब तक आप लोग शुरू कर सकेंगे? मार्च तक, मार्च तक कह रहे हैं, मैंने जो भी मार्च तक प्रोजेक्ट है पूरा। हाँ, तो अभी तक का प्रोजेक्ट है, मान लीजिए उसमें तक पूरा करें, थोड़ा आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन सारी तैयारी। और आज भी चीफ सेक्रेटरी हैं, ये बात हो गई है, यहाँ पर पुलिस का भी डेपुटेशन रहेगा परमानेंटली, और जो ये काम करते हैं तो इनके जो देखने वाले तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनमें से भी कुछ लोगों की यहाँ पर ड्यूटी हमेशा रहेगी, ताकि आप देख रहे हैं ना कि इसकी जो सिक्योरिटी है इसके चारों तरफ वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, ताकि कभी कोई इधर उधर नहीं कर सके, नहीं तो इसका तो कोई ठिकाना नहीं रहता। आप निश्चिंतापूर्वक छोड़ दीजिएगा तो पता चला कि कोई गलत प्रवृत्ति का आदमी कुछ जा करके इसको नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो आदमी को सर्टेन कुछ लोग तो होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके बारे में सोच करके ही हम लोग चारों तरफ कोई भी काम अब कर रहे हैं, खास करके जो भी ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, ताकि लोगों को प्रकृति के प्रति, और आप जान रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार से जल जीवन हरियाली अभियान चला करके पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और किस तरह से लोगों में जागृति आई है, कितना वृक्षारोपण हो रहा है, जल के संरक्षण के लिए काम हो रहा है, और मौसम के अनुकूल कृषि के लिए काम हो रहा है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सारी बात जो हम लोगों ने तय की है उनके प्रकृति के लिए, हिसाब जल है और हरियाली है तभी जीवन संरक्षित है, तो हर तरह से कि किसी तरह से पर्यावरण का कोई संकट नहीं हो। और एक बात आप लोगों को और बता रहे हैं, पूरे आप जान रहे हैं कि राजगीर के इलाके में हम लोग गंगा नदी का जल, उसके लिए काम शुरू हो गया, और गंगा नदी का जो जल रहेगा वो सारे लोगों को जल उपलब्ध होगा, चाहे हमारा यूनिवर्सिटी बन रहा है नालंदा विश्वविद्यालय वो हो, या आर्मी के या जो भी पुलिस के लोग हैं, या जहाँ कहीं भी कई तरह की संस्थाएं, और पुलिस का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी यहाँ बना हुआ है हर प्रकार से। और आप जानते हैं कि जिस तरह से एक एक चीज़ बन रहा है, खेल कूद के मामले में आप जान ही रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सारा बड़ा बड़ा काम हो रहा है, और यहाँ पर एक खेल के लिए भी विश्वविद्यालय बनाने का हम लोगों ने निर्णय कर लिया है। तो ये सब चीज़ होगा सबके लिए, जो भी आएंगे, जो भी होटल में रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, सब लोगों के लिए वही हम लोग गंगा जल उपलब्ध कराएंगे पीने के लिए, उसको और स्वच्छ करके एक एक जगह पर पहुँचाएंगे। तो अगर एक बार ये हो गया तो फिर नीचे से ग्राउंड वाटर लोग तो अब नहीं करेंगे, उनको मना भी कर देंगे, ग्राउंड वाटर खुद नहीं निकालिए। तो आप जान लीजिए कि कई जगह पर जितना नुकसान पहुंच गया राजगीर में वो सब फिर से ठीक होने की संभावना।
अब जो 34 के इसमें आ गया था भूकंप में, तो एक अलग बात है, लेकिन बाद में नीचे का जलस्तर कम हो जाने के कारण अगर किसी प्रकार की कोई कमी आ रही है तो उस कमी से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो पूरा ये पूरा इलाका और कितना ऐतिहासिक है, ये सबको मालूम है कितना ऐतिहासिक। भगवान बुद्ध तो यहाँ पर आए, भगवान महावीर का भी आना हुआ, लेकिन उनके और पहले का ये है सब, आप सब जानते हैं। मगध का उसकी राजधानी रही है, सब कुछ यहीं से शिफ्ट करके फिर पाटलिपुत्र की स्थापना, तो ये सब कुछ जो हुआ है। तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जो इसका इतिहास है हम उसको सुरक्षित करें और नई पीढ़ी को इसके लिए हम लोग प्रेरित करें, लोग एक एक बात को जानें और यहाँ की जो खासियत है उसके बारे में समझें, और जब प्रकृति के बारे में जानेंगे, नेचर के बारे में जानेंगे, अपने पुराने इतिहास के बारे में जानेंगे, तो उनकी जागृति और बढ़ेगी और समाज को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हम लोगों का मकसद है। काफी आप प्रभावित हुए थे, पहली बार आए थे हमको तो ये कहा गए यही है, इनको तो लग रहा था कि हम जा नहीं पाएंगे, जहां तक जाएंगे वहां तक जाएंगे। उसके बाद जो देख करके कितना सुंदर चारों तरफ, तो वही ना, उसके बाद एक एक चीज हुआ है और आप देख ही रहे हैं कि हर जगह हम लोग इसके लिए एक एक तरह का काम करके लोगों को प्रेरित करना। अब सिर्फ जो भी इतना है, इतना ऐतिहासिक जगह है और सब जगह को जो हम लोग इसको ठीक कर रहे हैं ताकि लोग आएंगे तो हर जगह जाएंगे देखेंगे, तो ये जो टूरिज्म का जो केंद्र है ये और विकसित होगा, बड़े पैमाने पर लोग और आते रहेंगे, तो अच्छी बात रहेगी। तो ये हम लोगों का मकसद है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।